जिला सोलन में गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण पास के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन दमकल विभाग पूरी मुस्तैदी से जंगलों की आग को बुझाकर करोड़ों की वन संपदा को बचाने में कामयाब रहा है। अधिक जानकारी देते हुए दमकल अधिकारी ने बताया कि पूरे वर्ष में अभी तक मई के महीने में सबसे ज्यादा आग लग रही है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर आग सोलन के जंगलों को अपना निशाना बना रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण जंगलों के आसपास रह रहे लोग हैं जो अच्छे घास के लालच में जंगलों को आग के हवाले कर देते हैं। दूसरा बड़ा कारण लापरवाही से बीड़ी सिगरेट पीकर जंगलों में फेंकना है, जिसकी वजह से हरे भरे जंगल आज सूखने की कगार पर हैं। सोलन शहर में हमने इस बार 2018 में टोटल 102 फायर केस अटेंड किए हैं, जिसमें से 86 जो है फॉरेस्ट फायर ही है। इस महीने की अगर हम बात करते हैं, मई महीने में ही हमने 34 टोटल केसेज अटेंड किए हैं फॉरेस्ट फायर के। इस साल जो टोटल नुकसान हुआ है लगभग 85 लाख रुपए का हुआ है, तथा जो सेव्ड प्रॉपर्टी है अनुमानित 8 करोड़ रुपए की सेव्ड प्रॉपर्टी को हमने बचाया है। ये अपील करते हैं कि अपने घर का जो सराउंडिंग है एटलीस्ट 15 मीटर तक साफ रखे। जैसे पत्तियाँ वगैरह होती है, चीड़ की पत्ती या दूसरे कोई पत्ती होती है सूखी हुई, उसको वहाँ पे इकट्ठा ना होने दे। नेशन न्यूज से कैमरा पर्सन विनोद प्रकाश के साथ अमित सेठी की रिपोर्ट। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।